शंकर अति प्रचंड नाचतकर दमरुबाज शंकर अति प्रचंड नाचत डमरू बजे शंकर अति प्रचंड नाचत कर डमरू बजे धा डमरू बजे धा डमरू बजे सानी धामा सानी धामा सानी धामा नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीन के दूसरे हिस्से में आपको एक बहुत ही युवा कलाकार दिखाई दे रही हैं और इनका परिचय है, इनका नाम है दीप्ति गुप्ता। बहुत ही सालों से मैं इनको जानता हूं, बहुत ही सालों से मैंने इनके परिश्रम को देखा है और परिश्रम देखा है मैंने इनका कथक की दुनिया में, कथक नृत्य की दुनिया में। जाहिर सी बात है, कथक नृत्य सीखा है, अब सिखा भी रही हैं, लेकिन बहुत सारा आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह का प्रयोग किया है इन्होंने अपने अभी तक के नृत्य सफर में। उन सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे ये भी बताना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर्स को कि रागगिरी की मुहिम जब आज से 7-8 साल पहले शुरू हुई थी, तब से दीप्ति का और मेरा परिचय है और मैंने बहुत ही इंटेंसिटी के साथ इनको सीखते हुए अपनी अपने लगन के साथ, जिसको हम कहते हैं, उनको देखा है, इनके कार्यक्रमों को देखा है और इसीलिए आज लगा कि क्यों ना बातचीत करके। मैं तो इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन आप लोग को भी इनसे मिलाया जाए, आप लोग को भी इनसे परिचय कराया जाए। दीप्ति, पहला बहुत बुनियादी सवाल, ये शुरू कैसे हुआ था नृत्य, क्योंकि परिवार में क्या कोई परंपरा थी ऐसी, या फिर कहीं कुछ देखा, या फिर स्कूल में सीखा, शुरुआत कैसे हुई? सर, शुरुआत की जो बात कहूँ तो बहुत मासूमियत का एक स्टेज आता है जब बच्चा सिर्फ डांस कर रहा होता है, घर में गा रहा होता है और घर वाले सोचते हैं कि ये अपना समय ऐसे ही वेस्ट कर देगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा ने भी मुझे ऐसे ही देखा कि मैं डांस करती रहती हूँ, किसी भी मतलब फोक बॉलीवुड किसी भी गाने पर। बहुत छोटी थी, 3-4 साल, और गाती रहती थी। तो उन्होंने एक्चुअली मेरी शुरुआत गायन से हुई थी। उन्होंने पास ही के मंदिर में, श्री बिहारी जी के मंदिर में मुझे एडमिशन दिलवाया और गायन में मेरा एडमिशन हुआ। और मैं देखती थी कि डांस क्लास हो रही है वहां पर और मेरा रुझान चूंकि डांस में था, तो आने वाले दिनों में मैंने स्विच किया, गायन से नृत्य पर आ गई और अभी तक नृत्य पर ही हूँ और हमेशा नृत्य पर ही रहूंगी, ये बात तो तय है। और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर जब एक तो ये हो गया कि गायन में एडमिशन हुआ था, वहां से नृत्य की तरफ रुझान था, इसलिए नृत्य की तरफ कदम बढ़ गए, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आप अच्छी तरह समझने लगते हैं कि अब मेरी पढ़ाई क्या है, और खासतौर पर जब आप 6th, 7th, 8th, 9th की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपनी पढ़ाई में, तो वो उस वक्त जिस तरह से सिलेबस बढ़ता है, नृत्य भी आपका उस जगह पर पहुंचने लगता है धीरे धीरे जहां पर आपके गुरु की ये चाहत होती है कि आप रियाज करें, वरना फिर फायदा क्या है अगर आप रियाज ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ जाके उनके सामने था थोड़ी देर करके चले आ रहे हैं। तो जब वो समय आया, तब फिर किस तरीके से परिवार वालों ने साथ दिया, परिवार वालों ने क्या कहा, आपने कैसे संतुलन बनाया इन सारे कश्मकश के बीच? जी सर, देखिए मैं बनिया फैमिली से आती हूँ और मेरी पूरी फैमिली में कोई भी कलाकार नहीं है, तो सभी लोग बिजनेसमैन हैं। बहुत ही सबके लिए ऐसा था कि मेरा घर का नाम रानू है, तो रानू दिल्ली जा रही है, अकेली जा रही है। अकेली नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार से मैं इस तरीके से आए, हम 4-5 लोग थे साथ में। तो
ये था, मैंने 12th करके मैं दिल्ली आई थी। इसका ये मतलब था कि हाँ मैं मेरा डिप्लोमा करूंगी 5 साल का, बस इतना ही। मेरे माता पिता को ये था कि हाँ ठीक है, जिद कर रही है बच्ची तो कथक सीख कर वापस आ जाएगी। पर एक एक जो यात्रा महसूस की और कर रही हूँ इस परंपरा में, कुछ ऐसा आकर्षण है, कुछ ऐसा जादू है गुरु शिष्य परंपरा में, कि जो कला है वो जब धीरे धीरे समझ आती है तो समझ आता है कि हाँ हम अपने जीवन को जी रहे हैं इसमें। और जब वाकई में गुरु ऐसे मिले जो इस राह को, इतने जीवन की कला को सिखा दे, तो ठीक है 5 साल हुए, उसके बाद माता पिता को लगा कि वापस आ जाएगी, लेकिन वापस मेरे आने से पहले उन पर ये खबरें जाने लगी कि यहाँ प्रस्तुति हो रही है, वहां प्रस्तुति हो रही है। तो लोगों से मम्मा पापा को पता चला कि हाँ ये कुछ कर रही है, कुछ तो है जो इसको कर रही है और साधना कर रही है। मम्मी पापा को भी सम्मान मिला, हमारे माथुर वैश्य समाज ने सम्मान किया उनका। तो इसी यात्रा में मेरा जो पहला कदम था कि हाँ मैं दिल्ली आई, दिल्ली आके मैंने सीखा, और सीखने से अब आगे की जर्नी जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही होती गई, और माता पिता को भी समझ में आता गया कि हाँ कुछ है जो साधना कर रही है ये। वैसे दीप्ति, आपने जब इस साधना को शुरू किया तब समय काफी बदल चुका था, मतलब अगर पहले के जमाने के हिसाब से बात की जाए तो। लेकिन तब भी घर की लड़की बाहर जाएगी, जाके वहां डांस करेगी, वो भी सीखेगी, दिल्ली जैसे शहर में जाएगी। आप कई बार ऐसा होता है कि परिवार का तो भरोसा रहता है, लेकिन ये जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो आके जरूर उठाते हैं सवाल कि अरे ये क्या फायदा इससे, इससे अच्छा कहिए सीपीएमटी की तैयारी कर ले, मेडिकल की तैयारी कर ले, नहीं तो बीए बीकॉम बीएससी कुछ कर ले। ऐसा आपके साथ भी हुआ? हाँ ऐसा हुआ। फैमिली में ही लोग पूछते थे कि इससे आगे क्या होगा, मतलब दिल्ली भेज दिया, दिल्ली जैसे शहर में भेज दिया, इससे आगे क्या होगा। पड़ोस में तो मैं कहूंगी कि हाँ ठीक है, उनको बहुत प्यार करते हैं सब लोग मुझे, तो वो बहुत सपोर्टिव हैं। बट ये बात तय है कि महसूस भी होता है एज अ कथित प्रैक्टिशनर, इस जर्नी को जीना और करना, शुरुआत करना और उसे जीना, एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा सफर है जो खुद ही बुनना पड़ता है। तो जब खुद ही जब कुछ बुनना होता है तो उसके उत्तर स्वयं मिल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, लेकिन समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें आसान भी हो रही है आगे के लोगों को के लिए। दिल्ली में पहला दिन याद है आपको? दिल्ली में पहला दिन मुझे याद है क्या हुआ था? मैं रोई थी पापा छोड़ने आए थे और पापा जा रहे थे तो मैं बहुत रोई थी। मैं 16 साल की थी, बहुत छोटी थी। आप आगरा से हैं मेरे ख्याल से। मैं आगरा से हूँ, आगरा में एक छोटा सा कस्बा है एदमादपुर, मैं वहां से हूँ, तो टुंडला कभी के पास। Thank you.
कभी ऐसा भी हुआ कि पता चला रात के 8 बजे पापा के पास फोन गया हो कि पापा बस लेने आ जाओ, एकदम मन नहीं लग रहा है, बहुत रो चुकी हूँ, अब रोने का मन नहीं कर रहा है और मुझे आप लोग के पास आना है, या इससे ठीक उल्टा हुआ हो, किस दिन पापा मम्मी का रात में 8 बजे फोन आया हो कि मैं लेने आ रहा हूँ और अब आ जाओ, बहुत दिन हो गया मिले हुए और बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, मतलब 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है। ऐसा दोनों में से कुछ ऐसा नहीं हुआ सर, लेकिन हाँ बीच का कुछ हुआ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी दिल्ली में, शायद पानी वगैरह की वजह से। तब मेरी हिम्मत टूट गई थी क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे संभालूं संगीत के साथ साथ। तो घर जब मैं पहुंची मम्मी और पापा के पास, उन्होंने, मम्मी पापा हम हर किसी के एक ही नेचर रखते हैं, मतलब किसी का कोई भी होता है तो माँ पिता होते हैं। उनको जब मैंने देखा अपने लिए बहुत सारा केयर करते हुए, बहुत कुछ करते हुए, तब मुझे उनकी अहमियत समझ में आई। और उस समय मैंने अपनी माँ को बोला था कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी अब दिल्ली। तो लेकिन माँ ने मुझे ये बोला था उस समय कि तुम एटलीस्ट अपना कोर्स पूरा करो। तो वो मम्मी ने जो बोला वो अभी तक ऐसा है कि अब मैं उस, पूरा तो कभी नहीं होगा ये कोर्स, और उस यात्रा पर हूँ। नहीं, लेकिन मम्मी के कहने का आशय जो है वो ये नहीं था कि नृत्य का कोर्स पूरा करो, वो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कह रही होंगी, और वो आपने बखूबी पूरा किया है दीप्ति, ऐसा नहीं है। दिल्ली के कुछ और शुरुआती दिन बताइए, क्योंकि मैं आप लगभग आई 2008 के आसपास दिल्ली में, 1998 में आया था, और जब मैं दिल्ली आया इलाहाबाद से, तो मेरे इलाहाबाद से लिए तो शुरुआत के जो कुछ दिन थे वो बहुत अलग थे, क्योंकि इलाहाबाद यूं तो कोई बहुत छोटा शहर नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले जब आप बात करते हैं, देश की राजधानी के मुकाबले बात करते हैं, तो माहौल अलग होता है। आप जब आई आगरा से, किस तरह के शुरुआती के दिन शुरुआती थे, चीजें क्या क्या याद आती हैं? सबसे पहला तो मुझे दूध याद आता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, भैंस का दूध आता है डोलची में और यहाँ आता है पैकेट में। तो वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, अरे दूध पैकेट में, ऐसा कैसे। और शुरुआत के दिनों में हम लोग, हम 4-5 लोग आए थे, निधि दीदी, सुरभि दीदी, वंदना दीदी, अंजना दीदी, हम 4-5 लोग थे और हम लोग भैंस का दूध ढूंढते थे कि हमें पॉलीथिन का दूध नहीं लेना। शुरुआत में हम फरीदाबाद रुके थे क्योंकि गुरुजी और भैया ने, मेरे पास पहले टीचर श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, उन्होंने हमें दिल्ली में नहीं रुकने दिया था, समय से आओ समय से जाओ। तो फरीदाबाद में रुके थे हम 1 साल, और ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसा सफर था कि सुबह ट्रेन पकड़नी है 7 बजे और फिर शाम को 4-5 बजे संगीत करके फिर से ट्रेन पकड़नी है। मतलब ऐसे गुरुजी भैया ने कर रखा था हमारा स्केड्यूल कि समय से आना है समय से जाना है, कोई भी कहीं पर भी समय व्यर्थ नहीं करना। मतलब कि क्योंकि छोटी जगह से थे, मेट्रो सिटी में आना अपने आप में एक ऐसी बात है कि कहीं कुछ हो ना जाए या फिर कहीं कोई गलत संगत में ना पड़ जाए। तो हमारे गुरुजी और भैया ने हमें बहुत बखूबी शुरुआत से ही इस तरीके से रखा कि पहले समझ लो चीजों को, फिर तो धीरे धीरे अपने आप ही करना है सब कुछ। तो ऐसा रहा हमारे साथ, कभी डर लगा फिर दिल्ली में? डर लगा दिल्ली में कभी नहीं सर, कभी नहीं। क्योंकि मैं और बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, बहुत लोग मुझे बोलते हैं दिल्ली में कैसे रह लेती हो, दिल्ली में ऐसे कैसे रह लेती हो, मैं तो दिल्ली में नहीं कभी सेटल होना चाहती कभी। मैंने ये बहुत सुना है, पर दिल्ली ने मुझे जो दिया है, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ डर नहीं लगेगा, यहाँ मेरे लिए आशीर्वाद है और बहुत सारा प्यार है, तो कभी नहीं लगा मुझे दिल्ली में डर। चलिए, अब आते हैं कथक की तालीम के बारे में, और आपने भी धीरेन्द्र जी का जिक्र किया, वो खुद भी जी अपने आप में बहुत ही मुकम्मल, बहुत ही सधे हुए कलाकार हैं। उनके साथ जो तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, उसकी यादें जरा ताजा कीजिए। बहुत ही सुंदर याद है उसकी। मैं स्कर्ट टॉप में, भैया एक्चुअली एक ना बंच, हमारे संगीत विद्यालय में, बिहारी जी के मंदिर में एक बंच तैयार हुआ था स्टूडेंट का, जो डेडिकेशन रखते थे नृत्य के लिए, उसमें मैं नहीं थी। तो 4-5 लोगों का बंच तैयार हुआ, भैया आते थे उनको सिखाने के लिए। मेरा जो घर है मंदिर से बहुत बहुत पास में है, घुंघरू की आवाज सुनाई देती है,
तो मैं बहुत छोटी थी और इसका टॉप में मैं गई, मैं बहुत सुबह सुबह घुंघरू की आवाज आ जाती है, क्लास तो शाम को होती है, तो मैं पहुंची वहां और मैंने देखा कि कोई सिखा रहा है 4-5 लोगों को। मतलब क्या समझ नहीं आया। वो धुंधली सी याद है कि मैंने खुद जाके बोला था या फिर पापा ने बात की थी, जो वहां के हेड हैं चुन्ना अंकल जी। तब मैंने पहली क्लास, मुझे याद है जब मैं भैया के पास गई थी और भैया ने मुझे बोला था कि सीखोगी, अच्छे से सीखोगी, रियाज करोगी, तो मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। और मुझे यही था कि मुझे क्यों नहीं लिया है इन ग्रुप में, मतलब ऐसा क्यों है, बस ये वाली बात है। और वहां से भैया, बहुत सुंदर जर्नी, मतलब भैया बहुत उम्दा टीचर हैं, बहुत जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है वो, क्योंकि नींव नींव अगर सही है तो मतलब काम हो सकता है, तो नींव है वो मेरी। और जैसे वो आपकी नींव है, वैसे ही देश में कथक कलाकारों की नींव है कथक केंद्र। कथक केंद्र में जी आपको सीखने का सौभाग्य मिला कहना चाहिए, और उस सौभाग्य के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं से, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों से मुलाकात का, तालीम लेने का और आशीर्वाद देने का मौका मिला। कथक केंद्र के जो दिन रहे, उन दिनों को अब कैसे याद करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो स्टूडेंट ही थे। मतलब ठीक है, सीख चला रहे थे, लेकिन थे तो विद्यार्थी ही। जी सर। सर एक तो मैं ये बात रखना चाहूंगी कि जब मैं कथा केंद्र में थी तो दो पहलू मेरे साथ थे। एक था मेरी उम्र, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, और दूसरी थी कि मेरे साथ में जो दीदी लोग थे वो मेरे लिए बहुत एक पिलर की तरह थे। तो मैं, मुझे बाहर ज्यादा देखना नहीं पड़ता था, क्योंकि कुछ भी चीजें चाहिए होती थी उन्हीं को बोलना होता था बस मुझे, चाहे वो टुकड़ा हो, चाहे वो तिहाई का रीविजिट करना हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, तो वो मेरे लिए हमेशा ऐसे थे कि हाँ हम हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कथा केंद्र में एक तो ये चीज, और दूसरी चीज सुबह का रियाज, शाम का रियाज, कथा केंद्र का एक जो माहौल था। पहले कथा केंद्र मंडी हाउस में था, तो हम मंडी हाउस में सीखा करते थे, फिर जीटीवी नगर गया, एंड देन फिर चाणक्यपुरी आया। तो हमारा पहला बैच था जो पास आउट हुआ था जब सान मार्टिन मार्ग में चाणक्यपुरी में कथा केंद्र आया, हमारा पहला बैच था। ये जो यात्रा है हमारी, तीन जगह रही, मंडी हाउस, जीटीवी नगर और चाणक्यपुरी। कोई बैच था तो हम थे जो सफर कर रहे थे उस टाइम पे। बहुत ही प्यारी यादें हैं। सुबह रियाज, क्लास, शाम को प्रोग्राम और सेमिनार्स, संगीत नाटक एकेडमी में डॉक्यूमेंट्री, बहुत बहुत कुछ, मतलब देखने सुनने। और शायद अगर ना भी ऐसा हो कि नहीं भी सीखना, फिर भी इनडायरेक्टली सीखना ही हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें देख रहे हैं और बाद में वो काम आएंगी हमें पता नहीं है, जो कि अब काम आती है। तो वो जो समय मेरे लिए रहा वो कई मायनों में बहुत ही प्रीशियस है, सुख में, दुख में, सीखने में और खेलने में, मजाक करने में, श्रीराम सेंटर पे जाके चाय पीने में, मतलब वो मट्टी हाउस का जो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा सर, वही चीज हमने भी जी, क्योंकि मंडी हाउस का जो वातावरण है उस चीज को पूरी तरीके से जिया है हमने। बिल्कुल सही कहा दीप्ति आपने, और मंडी हाउस की तो मतलब मेरी भी स्मृतियां आपने ताजा कर दी। सबसे ज्यादा मजा तो आता था कि एनएसडी के आसपास आप बैठे रहिए, अचानक कोई चेहरा दिखता, फिर लगता था अरे यार इसको तो कहीं देखा है, इसको तो कहीं देखा है। फिर किसी दोस्त से जाके पूछते थे अरे वो जो सज्जन वहां बैठे हैं वो कौन है, तो पता चलता था अरे और उन्होंने वो रोल किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग समय था। अच्छा दीप्ति, बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आते हैं, सिर्फ कथक केंद्र ही नहीं, मंडी हाउस में अलग अलग जगहों पर अगर आप देखें, एक आजादी का एहसास भी होता है जब आप इस उम्र में आते हैं ना, 16 17 18 साल की उम्र में आते हैं, बड़े शहर में आते हैं, बहुत सारी चकाचौंध, बिल्कुल एक नई तरह की दुनिया, एक नई तरह की आजादी। कितना संभालना पड़ता है, कितना अपने साथ, कितना अपने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को कितना मुकम्मल रखना पड़ता है। सर इस
बात का मैंने आपको शुरुआत में ही दो चीजें बोली थी कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि मैं अपने दीदियों के साथ थी, तो गलत संगत तो कभी पड़ी ही नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, शायद कभी उसका ना एहसास भी नहीं हुआ। आपने लिस्ट के लिए मुझसे पूछा तो मैं शायद इसलिए भी नहीं बता सकती है क्योंकि मुझे वो एहसास नहीं हुआ। मेरे साथ वो लोग हमेशा रहे जब तक हम पास आउट हुए। तो लेकिन हाँ, हम जब ये जर्नी जब करते हैं, जब हम सीखते हैं और अपनी घर से लेके केंद्र, केंद्र से घर, और किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तब ये एहसास जरूर होता है कि हमको अपने घर से जब हम निकले हैं तो हम किस काम के लिए निकले हैं, क्या हम उस काम, मतलब हम भटक तो नहीं गए हैं। और ऐसा सही बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी कोई काम करने आते हैं बट वो काम ना करते हुए किसी गलत संगत में पड़ के वो कुछ और काम करने लगते हैं। ऐसा बहुत हमारे सामने भी, अब अगर मैं कहूँ उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा होता है। बट मेरे केस में ये था कि मेरी मेरी चार दीदियां मेरे साथ थी, तो दैट्स अ वेरी अमेजिंग ब्लेसिंग्स इट वाज। और हमेशा मैं उन लोगों को बोलती भी हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे, तो दैट्स अ अमेजिंग थिंग हैपेंड टू मी। आप लगता है अपनी पोल बताने में बचना चाह रही हैं, लेकिन मैं पोल खुलवा के ही मानूंगा। कभी पिक्चर विक्चर भाग के गए आप लोग? कथक केंद्र की कोई खास बंक की हो, चारों बड़ी बहनों से कहो आज चलो? और मंडी हाउस में तो मतलब 2 किलोमीटर पे सिनेमा हॉल हुआ करते थे उस समय, तो कभी भाग भाग के गए? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, चलिए वही बता ऐसा दीजिए। हुआ है। मुझे याद है, दीदियों के एक दीदी के साथ गई थी मैं, और एक हमारे फ्रेंड, हमारा फ्रेंड था, क्लास नहीं, कथक केंद्र में ही, तो हम तीन लोग गए थे मूवी देखने के ये आज लिए, आज यूपी गए थे। आज ऐसा तो नहीं कि पहली बार खुलासा हो रहा हो और जब ये इंटरव्यू पापा मम्मी देखें तो तुरंत फोन आए कि बेटा ये वाला तो नहीं बता था हमें? हाँ, ये वाला किसी को नहीं पता था। अच्छा दीप्ति, फिर इस देश के बहुत ही जाने माने कथक नर्तक जो है, जयपुर घराने की शान कहा जाना चाहिए, बहुत ही सहज बहुत ही गुणी राजेंद्र गंगानी जी जी आपके से आपको सीखने का सौभाग्य मिला, उनके पास कैसे पहुंची, वो कैसे तैयार हुए, पहला दिन क्या था, कुछ याद करके बताइए। तो कैसे पहुंची? भैया हमारे श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया कि क्योंकि उन्होंने इस तरीके से हमें सिखाया है कि सीखना और रियाज करना, उस रियाज को सोचना क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें, मतलब एक होता है ना कि कोई मकान बन रहा है और उसकी नींव को इतना परिपक्व कर दो कि उस पर बिल्डिंग भी बन जाए। तो भैया ने इस तरीके से इन चीजों को बुना और वही लेकर आए हमको दिल्ली में गुरु जी के पास। उन्होंने बोल भी दिया था, मतलब आज मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि गुरु जी के पास नहीं होगा तो कहीं नहीं जाओगे, सीधे वापस जाओगे। तो ऐसा था, और गुरु जी के पास हुआ। पहला दिन बहुत सारी भीड़, क्योंकि हमारे बैच में बहुत बड़ा बैच था और गुरुजी किसी को भी मना नहीं करते हैं, मतलब कि बैच तो बड़ा है ही, और अगर बाहर के लोग भी आगे कर रहे हैं उसमें तो उनके लिए कोई मनाही नहीं होती है, आके करो। तो बहुत सारे लोग थे, वो मेरी पहली स्मृति है। लेकिन जो पहली एक और स्मृति है कि आई गेस 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुजी ने मेरा नाम लिया था और बोला था, दीप्ति जरा फोन पकड़ाना। तो वो जो बात है वो ऐसी थी कि शाम की वो चर्चा बन गई हमारे यहाँ। हम लोग पहुंचे और मैं निधि दीदी को बोल रही हूँ, दीदी दीदी आज ना गुरुजी ने मेरा नाम लिया। गुरुजी को मेरा नाम याद हो गया। तो ये एक बहुत प्यारी सी जर्नी है। और फिर उस जर्नी में लंबा समय रहा, क्योंकि मैं तो आपको जानता भी राजेंद्र जी के ही की वजह से हूँ, क्योंकि जी उनके साथ जी उनका बड़ा स्नेह रहा हमारे प्रति, संस्था के प्रति। और
जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, जैसा आपने भी अभी कहा कि वो मना नहीं करते किसी को, कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर अगर सीखना चाहे तो ये उनकी सहजता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और मैं उनको अक्सर देखता हूं कि अपने शिष्यों के भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भले ही थोड़ा देर से पहुंचे और पता चला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और पीछे से चुपचाप आकर कहीं बैठ गए, ये सब कुछ मैंने देखा है उनको करते हुए, लेकिन तारीफ करने में कैसे हैं? मतलब कंजूस वाले गुरुजी हैं तारीफ करने के मामले में, या दिल खोल के तारीफ करते हैं अपने शिष्यों की? कई गुरुओं को ये लगता है कि ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए वरना शिष्य जो है बिगड़ जाते हैं। सर, गुरुजी का हमेशा एक नेचर रहा है कि वो सपोर्ट बहुत करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन वाकई में ऐसा कभी वो नहीं बोलेंगे कि वाह वाह क्या अच्छा किया, क्या क्या चीज की है, बहुत अच्छा रियाज कर रहे हो, कभी नहीं कहेंगे। उनका खुश होने का नजरिया ही अलग है। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उनके लिए ये है कि उनके अंतर मन में है वो कि मेरे शिष्य ने अच्छा किया है, और उनका प्यार दिखाने का और जताने का तरीका भी अलग है कि अपनी चाय दे दी या फिर दो तोड़े टुकड़े और करवा दिए, कुछ नया सिखा दिया, इस तरीके से वो अपना गुरु तत्व निभाते हैं। पर वो कभी इस तरीके से नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, मतलब बहुत ही अच्छा किया है, नहीं ऐसा कभी नहीं अच्छा, कथक केंद्र में रहने से दीप्ति आपको मतलब राजेंद्र जी का तो जो आशीर्वाद स्नेह सब कुछ मिला है वो तो मिला ही मिला है, और भी बहुत सारे गुरु होते हैं वहाँ पे, प्रेरणा जी रही इतने दिनों तक, चीकू भैया, जयकिशन जी रहे, अब ये लोग भी नजर रखते हैं, देखते रहते हैं, पता होता है, और आपके पास भी ये मौका होता है कि आप जाके उनसे भी अगर कुछ दो चीजें छोटी बहुत सीखनी हो, पूछनी हो, तो आप पूछ सकते हैं। कभी ऐसा किया आपने? हाँ, बिल्कुल। गुरुजी भी बोलते हैं और भैया ने भी हमें मतलब हमेशा गाइड किया है, तो बोलते हैं कि हाँ जाके देखो, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग ऐसा करते थे, ना सिर्फ हमारा बेंच, मतलब हमने सबको देखा है। कथा केंद्र में एक प्रथा सी थी कि अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है, किन्हीं गुरु के स्टूडेंट्स किन्हीं गुरु के कक्षा में जाके बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमें बताया भी गया था और हमने देखा भी और हमने फॉलो भी किया, तो ऐसा हुआ और अभी भी होता है। अभी भी मतलब आई वुड तो ऑलवेज लाइक टू सी अदर थिंग्स, तो ऐसा हमेशा रहता है। दीप्ति, बहुत सारे कार्यक्रमों की फेहरिस्त है आपके जो आपने किए हैं देश में, देश के बाहर, तो उस पर जाने की बजाय इन दिनों नया क्या कर रही हैं आप, ये बताइए। इन दिनों जो हुआ है, ये बहुत ही सुंदर आपने एक प्रश्न पूछा है। 1-1.5 साल से ही कुछ चीज है जो घूम रही है। पंडित राजन साजन मिश्र जी की एक बंदिश है, जो भरत अपनी माँ कैकेयी से कह रहे हैं कि मैं ना जीऊं बिन राम। तो वो मैंने एक बार सुना, 1-1.5 साल पहले की बात है, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उनकी आवाज नृत्य कर रही है, और वो कहीं ऐसा था कि कुछ हो रहा है, कुछ कुछ चीजें हैं जो जो उनकी आवाज सामने से मुझे ऐसा लग रहा था आलाप में ये होगा, ये ऐसे। तो मैंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी ऐसा है, तो और तुलसीदास जी का विनय पत्रिका से है और पंडित जी ने गाया हुआ है, तो गुरुजी ने भी मेरा बहुत सहयोग किया किस तरीके से कैसे है। तो अभी इन दिनों भरत पर ही दिवाली भी आने वाली है, तो वो काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, दीपावली पर मिलेगा या दीपावली से पहले मिल जाएगा। तो इस संदर्भ में आपकी मतलब ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि कोरोना के लहर में राजन जी हमारे बीच नहीं रहे, और व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा नुकसान है हमारे हमारे लिए भी और हमारे राजगीर परिवार के लिए भी। लेकिन इस पूरे जब आपने कंसीव किया, आपने इसको जब समझा, बुना, तो उनसे बात करने का मौका मिला दोनों भाइयों में से किसी से? नहीं सर, नहीं,
जब मैंने सुना, और मैं हमेशा अभी भी जब सुनती हूँ तो मुझे लिटरली दोनों पंखे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि आंखों में ना जिस तरीके से उन्होंने गाया है, वो वैसे ही चीजें कुछ होती हैं, उन्होंने जिस रूह से गाया है उसे। और मिलने का तो मौका नहीं मिला कभी। हाँ, कुछ दिनों पहले CSOI में एक प्रोग्राम था, रागिनी का प्रोग्राम था, जब मैं गई थी तो पंडित साजन मिश्र जी वहां थे, तो मैंने प्रणाम किया, पर ऐसे पर्सनली नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब मैंने ये काम करने से पहले मैंने उनके पुत्र जो है रजनीश मिश्रा जी, उनसे मैंने इजाजत जरूर ली थी कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ तो आप मुझे प्लीज बताएं, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, तो ये मुझे जरूर उनकी तरफ से ऐसे होते हुए आज्ञा आई। तो ये बहुत रहा। ही सहज बहुत परिवार ही है सहज परिवार। राजन भैया के, दोनों बच्चे जो हैं रितेश रजनीश या साजन भैया के जो भैया के बेटे हैं जो स्वरांश। चलिए रागिरी की तरफ से मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि जिस दिन आपका ये प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा उस दिन साजन जी के साथ इसको दिखाने की व्यवस्था हम करेंगे। साजन जी से जरूर कहेंगे कि वो समय निकालें, आए और देखें वो। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि वो जिस तरह के व्यक्ति हैं और जिस तरह का उनका स्नेह रहा है हमारे प्रति, संस्था के प्रति, वो निश्चित, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि हामी वो भर देंगे और आपको इस पर उनका आशीर्वाद मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। अब आते हैं हम एक और आपके प्रयोग पर, प्रयोग कह लें या कह लें कि एक और ऐसी चीज पर जो कथक में कम दिखाई देती है, नाट्य शास्त्र का कुछ आप जिक्र कर रही थी मुझसे, उस बारे में भी बताइए जरा मुझे। जी सर, अभी कुछ समय पहले ही जैसे कोविड ने जो बनाया था माहौल, उस समय गुरुजी की एक वर्कशॉप हुई और वहाँ ऑनलाइन ही थी, तो गुरुजी मुझसे भी उन्होंने बात साझा की और धीरेन्द्र भैया से भी बात साझा की थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे भेद हैं, हम हस्त मुद्राओं का तो प्रयोग करते हैं, संयुक्त हस्त मुद्रा, असंयुक्त हस्त मुद्रा, लेकिन क्या ग्रीवा भेद और नटन भेद और शिरो भेद, दृष्टि भेद, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इन नाट्य शास्त्र के इन पहलुओं को उठाया जाए और भाव में उसे लिया जाए। तो दृष्टि भेद जो 8 हैं, दृष्टि भेद और भेद से भाव, कालिया दमन, मतलब 4 चरणों में इसे किया गया। पहले चरण में 4 दृष्टि भेद आते हैं और उसका दूसरा जो चरण है वो कालिया दमन का पहला भाग आ जाता है, वैसे ही तीसरे चरण में बाकी के 4 दृष्टि भेद आ जाते हैं और फिर बाकी का जो कालिया दमन का भाव है वो संपूर्ण होता है। तो ये जो 4 चरण गुरुजी ने जिस तरीके से सोचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इसे बुना है, वो बहुत ही सुंदर है। मतलब मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा। और जो नाट्य शास्त्र का जो मैं कह सकती हूँ परिपक्व गठन है, उसको लेकर गुरुजी ने, मतलब हमेशा गुरुजी यही बोलते हैं कि जो कंटेम्पररी है वो बेसिकली वही है जब हम अपने अपने अपनी नृत्य शास्त्र में उसको बुनते चले जाएं, वही कंटेम्पररी है। तो वो जो ये जी जो चीज गुरुजी ने बुनी है वो बहुत ही सुंदर है, भेद से भाव, दृष्टि भेद से कालिया दमन भाव तक। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बस ये इस बात का, इस इंटरव्यू को जब आपके घर पे सब लोग देखेंगे तो इस बात का खतरा रहेगा कि फोन आएगा और ये पूछा जाएगा कि फिल्म वो कौन सी थी जो आप देखने गई थी। लेकिन आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप ये इससे भाव या भाव से भेद जो आपने बताया मुझे इस पर डाइवर्ट कर दीजिएगा तो मामला ठीक रहेगा। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दीप्ति, आप ऐसे ही नए नए प्रयोग करें, नई नई चीजें सीखें। और एक कलाकार का जो सहज होना जो आपको राजेंद्र जी के साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर रोज देखने को मिलता होगा, वो सहजता कायम रहे, कलाकार का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, वो बना रहे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद भी। सर, थैंक यू सो मच। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे पल मुझे आपने दिए हैं इस इंटरव्यू में जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्ते सर।
ta da te 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 ta